बल्कि रिकॉर्ड मतों से इस बार जीतेंगे। जहां गाजीपुर अपनी बुलंद आवाज से और अपने समर्थन से लोग जो बड़े बड़े दिल्ली और लखनऊ से आ रहे हैं, गाजीपुर के लोगों के उत्साह के सामने और समाजवादी पार्टी के समर्थन के सामने वो थर्रा रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि रास्ता क्या निकलेगा। और मैंने तो कल भी बलिया में और सलीमपुर में समर्थन देखा है। इस बार तो जहां पूर्वांचल की हवा, पूर्वांचल की जो हवा इस बार है पश्चिम से भी ज्यादा रफ्तार से बह रही है। जो शुरुआत पश्चिम से हुई थी वो आते आते यहां पर बलिया, गाजीपुर में किस ऊंचाई तक पहुंचेगी। और मैं ये कह सकता हूं कि जो जनता का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, पहले चरण में जो गुस्सा दिखाई दिया था सरकार के खिलाफ, आज गाजीपुर में आकर के वो साथ में आसमान पे दिखाई दे रहा है। ये जो 400 पार वाली बात कह रहे थे, 400 पार, वो अब 400 हारने जा रहे हैं। ये 400 पार नहीं हो रहा इनसे, ये इनका सब हिसाब किताब डगमगा गया है। और अभी आपने देखा होगा कि जो बहुत बड़ी बड़ी बात कहते थे, इधर उनका आत्मविश्वास जो लड़खड़ाया है, उनका आत्मविश्वास जो लड़खड़ाया उससे उनकी जवान भी लड़खड़ा गई है। अब कोई उनकी पुरानी कहानी सुनना नहीं चाहता है। पुरानी कहानी, पुराने डायलॉग जो घिसे पिटे हैं कोई सुनना नहीं चाहता है। इसलिए